तो गैंगस्टर विकास की भागम भाग, आपको बड़ी खबर बता रहे किस तरीके से 1200 किलोमीटर की भागम भाग हुई। विकास आज गिरफ्तार हो गया मध्य प्रदेश के उज्जैन से, लेकिन कई सारे सवाल उसकी गिरफ्तारी के साथ ही खड़े हो रहे हैं। फरीदाबाद से आखिर वो कैसे पहुंचा इतने किलोमीटर दूर और उज्जैन तक कैसे पहुंचा, ये वो सवाल है। ट्रेल क्या सामने आ रही है वो भी देख लीजिए इनसाइड स्टोरी की। कानपुर एनकाउंटर के बाद 3 दिन तक वो शिवली में ही छिपा रहा, उसके बाद 1 दिन ग्वालियर में रुका, 2 दिन फरीदाबाद में शरण लेने की खबर है, उसके बाद धौलपुर ग्वालियर और गुना होते हुए वाया देवास उज्जैन तक पहुंचा है। फरीदाबाद से या ये कह सकते हैं कि कानपुर से एनकाउंटर के बाद वो 1200 से ज्यादा किलोमीटर अभी तक तय कर चुका है, और इस दौरान इनके बाद सबसे आखिर में 7 दिन बाद वो महाकाल मंदिर पहुंचता है उज्जैन के, और वहां पर उसकी गिरफ्तारी होती है। ये वो सवाल है कि आखिर इतने ज्यादा अलर्ट के बाद भी कैसे वो सफर तय कर पाया है। रुमान हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रुमान, फरीदाबाद में उसका लास्ट लोकेशन मिलता है और उसके 18 घंटे बाद उसकी तस्वीर सामने आती है गिरफ्तारी की, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर से। ये सफर भले ही 800 किलोमीटर का तय किया उसने, लेकिन इस सफर में 800 किलोमीटर में 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बॉर्डर के अंदर था। सवाल ये उठता है कि इतना अलर्ट था तो कैसे वो उत्तर प्रदेश में आराम से घूमता रहा, कौन दे रहा था संरक्षण? देखिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि शुक्रवार को जो शूटआउट हुआ था उसके बाद से वो 4 राज्यों की सीमाओं में घुसा और धड़ल्ले से घूमता रहा। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले लोग भी थे, उसके पास इनोवा गाड़ी भी थी जिसका उसने इस्तेमाल किया था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया। सीधे तौर पर उसकी रिश्तेदारी है मध्य प्रदेश में, और साथ ही ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि चंबल के कुछ गैंग से भी उसका कनेक्शन है जिन्होंने उसकी मदद की। हर मोर्चे पर हर जगह पर उसके मददगार मौजूद थे जिनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस शूटआउट के बाद वो 3 दिन तक कानपुर देहात में ही अलग अलग स्थानों पर रुका, जहाँ से वो सीधे उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस करके मध्य प्रदेश चला गया ग्वालियर। 1 दिन वो ग्वालियर रुका और ग्वालियर से फिर वो लौटकर फरीदाबाद आया यानी हरियाणा की सीमा में, और 2 दिन फरीदाबाद में अलग अलग जगह पर घूमता रहा, जिसके बाद फिर वो धौलपुर के रास्ते देवास और गुना होते हुए उज्जैन पहुंचा, जहां पर महाकाल मंदिर से वो पकड़ा गया। सीधे तौर पर जो एनकाउंटर के बाद के 6 दिन हैं उसमें लगातार वो सफ़र करता रहा, अलग अलग राज्यों में जाता रहा, 4 राज्यों की सीमाओं में घुसा। कोई चेक पोस्ट ऐसा नहीं था जहाँ पर वो पकड़ा गया हो, उसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड की जा रही थी। इनोवा गाड़ी की भी बात सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर उसके पास अलग अलग इनोवा गाड़ी थी जिसमें वो सफ़र कर रहा था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल किया। ये तमाम चीज़ें किसने मुहैया कराई, ये अब बड़ा सवाल है जो पूछताछ के बाद साफ हो जाएगा। हर बार वो पुलिस से 3 कदम आगे रहता था, पुलिस जहां पहुंचती थी वो फरार हो जाता, उसके गुर्गे जरूर पकड़े जाते लेकिन वो बच जाता। क्या 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद भी पुलिस महकमे में कोई ऐसा शख्स था जो अब भी उसकी मदद कर रहा था? देखिए, बिल्कुल कोई ना कोई तो ऐसा था शख्स जो विकास दुबे की लगातार हर मोर्चे पर मदद कर रहा था, क्योंकि जब भी जिस जगह पर भी उसके बारे में जानकारी मिलती थी, फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में जिस होटल में वो रूम लेने के लिए आया था वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है, लेकिन उससे पहले वहाँ से रवाना हो चुका था, जिसके बाद वहाँ पर एक मिठाई की दुकान के बाहर करीब 3:15 बजे वो नज़र आता है, 12 बजे वो करीब होटल के रूम में था जहाँ से वो गायब हुआ, 11:30 बजे करीब, नहीं माफ़ कीजिएगा, 1:30 बजे करीब उसके साथ ही पकड़े गए फरीदाबाद के घर से जिनके पास से हथियार बरामद हुए, और करीब 3:04 मिनट से लेकर 3:18 मिनट तक दोपहर तक वो उसी इलाके में एक मिठाई की दुकान के बाहर CCTV कैमरे में कैद हुआ। मतलब साफ है कि सिर्फ फरीदाबाद में ही 4 किलोमीटर के रेडियस में वो करीब 3.5 घंटे तक घूमता रहा, तो जाहिर है कि जहाँ भी पुलिस पहुँचती थी उससे पहले ही वहाँ से निकल चुका होता था। जिस घर से विकास दुबे के साथियों को गिरफ्तार किया गया था कुछ घंटे पहले ही विकास वहाँ से चला गया था, तो ये तमाम चीज़ें इस बारे में संदेह ज़रूर पैदा करती हैं कि उसको मोमेंट की खबर रहती थी, उसको जानकारी थी, और वो पुलिस से हमेशा 1-2 घंटे आने से पहले ही निकल जाया करता था। लगातार वो कानपुर देहात से ग्वालियर गया, ग्वालियर से फरीदाबाद आया, फरीदाबाद से फिर धौलपुर राजस्थान की सीमा में प्रवेश करने के बाद वहाँ से गुना होते हुए उज्जैन पहुँच गया। लगातार वो धड़ल्ले से सफ़र कर रहा था, तो बिना किसी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वाले के और मददगार के बिना ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए उसको गाड़ी का भी इंतज़ाम करना था, तमाम जगह पर भी उसको जाना था, पैसे की भी ज़रूरत थी। तो ऐसी स्थिति में जो उसका मददगार है या जो और ज़्यादा एक ही नहीं और कई भी मददगार हो सकते हैं अलग अलग राज्यों की सीमाओं में हो गया है, पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन मददगार थे और कौन इस पूरे समय
इस जो 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का गुनहगार है, जिन्होंने निर्ममता से हत्या की उन पुलिसकर्मियों की, ऐसे दुर्दांत अपराधी को इस स्थिति में भी मदद कर रहे थे और पुलिस से उसे बचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रुमान आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कानपुर एनकाउंटर के बाद 3 दिन तक शिवली में छिपा, उसके बाद एक दिन ग्वालियर गया, उसके बाद गुना होते हुए देवास और फिर उज्जैन पहुंचा है। 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं किस तरीके से वो उज्जैन पहुंचा है, उसके वकील पहुंचे। देखिए गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है, ये गाड़ी यूपी नंबर की है। यही माना जा रहा है कि इसी गाड़ी के जरिए वो दोनों वकील जो उत्तर प्रदेश में काम करते हैं वो उज्जैन पहुंचे थे, और उनके साथ बहुत मुमकिन है कि विकास दुबे भी पहुंचा हो। विकास दुबे इसी गाड़ी से सफ़र कर रहा हो, इसकी अब जांच पुलिस कर रही है। विकास को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा। इधर जो जानकारी मिल रही, दूसरे थाने शिफ्ट किया गया है, महाकाल थाना परिसर से हटा के उसे दूसरे थाने शिफ्ट किया गया है और वहाँ पर अब उससे पूछताछ की जा रही है। परिवार ने जो सवाल किए थे जो शहीदों की, वो अब इस बात से खुश होंगे। विकास की गिरफ्तारी पर शहीद पुलिसकर्मियों के रिश्तेदारों ने क्या सवाल उठाए, आइए वो सुन लेते हैं। अगर अपराधी पकड़ में आ गया है तो ये सभी के लिए संतुष्टि की बात है, लेकिन ये सब आप कहानी का अंत मत समझ, ये अभी अब नई शुरुआत हुई है कहानी की। मुख्य अभियुक्त आपके कब्जे में आया है, अब ये देखना आप मीडिया वाले भाइयों का काम है कि सच्चाई पे पर्दा ना डाला जाए। बहुत से अपराधी हैं जो जेल से भी बादशाह चला रहे हैं, ठीक। तो ये है कि इतने सुनियोजित ढंग से उसका आत्मसमर्पण हो गया कि अभी 12 घंटे पहले वो फरीदाबाद में था और 12 घंटे में महाकाल के दरवाजे में पहुंच गया, और जो पुलिस अरेस्ट करने गई है वो मीडिया को साथ लेके गई है। ऐसे एनकाउंटर कितने देखे हैं आप और ऐसे अरेस्ट आपने कितने देखे? दिमाग वाले लोग हैं आप। आपको लगता है पुलिस की सेटिंग है इसमें? सिर्फ पुलिस को मत कहिए, देखिए पुलिस मेरा विभाग है, मैं पुलिस के प्रति अभद्रता बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो देवेंद्र जी पुलिस में ही थे। सर मैं तो राजनीतिक तरीके से देखता हूँ, ये भी कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए, हम इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सीधा एनकाउंटर हो और उसके जितने भी साथी हैं उनका भी एनकाउंटर हो और उनका भी एनकाउंटर हो जो प्रशासन से उनसे मिले हुए हैं, जैसे वो पुलिसकर्मी है ना, वो सब उनका भी एनकाउंटर हो, तभी मेरे भाई को मेरे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी।